नमस्ते गाइस। तो आज सुबह जैसे ही मैंने अपना सोशल मीडिया खोला तो उसमें मुझे मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट्स के कई सारे लीक्स देखने को मिले। और भाई, इन लीक्स को देखने के बाद मेरा सर चकरा गया। इन लीक्स में हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की एक फुटेज, वकांडा फॉरएवर की एक क्लिप और यहाँ तक कि लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिला। और भाई, इन सब की फुटेजेस मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट के चलते। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की। तो इससे एक क्लिप लीक हुई है और इस क्लिप में हमें देखने को मिल रहा है कि जो त'चाला की माया रमोंडा, वो पूरी दुनिया के सामने ये बता रही है कि उनके किंग की मौत हो चुकी है। इस सीन को हमने ट्रेलर में भी देखा था और ये जो पूरा सीन है वो सोशल मीडिया पे अब लीक हो चुका है। और भाई, रमोंडा के इस पूरे स्टेटमेंट को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके बाद जो अगली लीक है उसने तो मेरा भेजा खराब कर दिया था, क्योंकि ये है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से। इसमें हमें एक फुटेज देखने को मिली। इस फुटेज में हमें स्कॉट लैंग बहुत बुरी हालत में नजर आ रहा है। उसके मुंह पे कई सारे घाव हुए और उसके चेहरे पे हमें डर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज से काफी ज्यादा घबराया हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली वो और कोई नहीं बल्कि कैंग है। पहले भी हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की एक लीक फुटेज देखी थी, जहाँ पे हमें कैंग उसे बोलते हुए ये नजर आया था कि क्या मैंने तुम्हें पहले भी मारा है। और भाई, एंटमैन की ऐसे हालत देखने के बाद लग भी रहा है कि कैंग कितनी बड़ी थ्रेट है। भाई, उसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन थे और ऐसे एक्सप्रेशन तो मैंने उसके अवेंजर्स एंड गेम में भी नहीं देखे थे। लेकिन कैंग आखिर कितनी बड़ी थ्रेट है, ये हमें तीसरे लीक में देखने को मिला, क्योंकि वो तीसरा लीक लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर था। यह ट्रेलर उतना साफ तरीके से तो हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन जितना भी दिख रहा था उससे हमें यह समझ में आ रहा था कि ये काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। तो यह ट्रेलर वहां से शुरू होता है जहां से लोकी का सीजन 1 खत्म हुआ था। हमें इसमें देखने को मिलता है कि शायद टाइम या फिर रियलिटी में कुछ ग्लिच आ रहे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि सिल्वी ने ही ह्यूमंस को मारा था, और जिसकी वजह से हमें लोकी की बॉडी भी ग्लिच या फिर बेंड होते हुए नजर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोबियस और लोकी एक जगह पे खड़े हैं और उसके पीछे उन टाइम कीपर्स की पेंटिंग है। लेकिन जैसे लोकी उस पर वो प्रून स्टिक डालता है तो वो पेंटिंग प्रून हो जाती है और उसके पीछे हमें देखने को मिलता है कैंग द कॉनकरर का स्टेच्यू। और शायद ये वो सीन होगा जहाँ पे लोकी मोबियस और टीवी वालों को ये बताना चाह रहा होगा कि इन सब के पीछे, यानी कि ये टीवी है और इन सब के पीछे कैंग का हाथ है। और उसके बाद हमें ट्रेलर में और भी कई सारे सीन नजर आते हैं जहाँ पे मोबियस और लोकी कई सारे मिशंस कर रहे हैं और भाई काफी ज्यादा चिंता में है। लेकिन जिस आदमी को सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए थी वो आराम से एक सोफे पे आराम कर रही है। हाँ, सिल्वी, मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया और ये आराम से चिल कर रही है। इस पूरे ट्रेलर को देख के हमें ये नजर आ रहा था कि लोकी और मोबियस मिलके टाइम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये काम उनका कैंग पूरा होने नहीं देगा। तो भाई, ये थे लीक हुए कुछ फुटेजेस। आपको क्या लगता है कि कैंग आखिर कितनी बड़ी थ्रेट है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन।